Hello everyone, welcome to Soul of Chemistry. इससे पहले हम दो क्लासेस कर चुके हैं छोटा छोटा ड्यूरेशन का, जिसमें हम प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट का क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं. ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्लास रहेगा, ड्यूरेशन भी छोटा रहेगा, और इसमें आज डिस्कशन करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन. माय डियर फ्रेंड, एप्लीकेशन में हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ, क्या क्या एप्लीकेशन देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन. हम समझेंगे कार्बोकैटायन क्या है, कार्बन आयन क्या है, फ्री रेडिकल क्या है. स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस. माय डियर फ्रेंड्स, वी विल डिस्कस दिस थिंग्स इन दिस क्लास. माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जो तीनों है, कार्बोकैटायन, कार्बोनायन एंड फ्री रेडिकल क्या है, उसको समझ लेते हैं पहले. ठीक है, ओके. देन हम एसिडिटी एंड बेसिसिटी के ओर जाएंगे. माय डियर फ्रेंड्स, इधर हम लिखेंगे कार्बन कार्बन कार्बन. एनी ऑर्गेनिक स्पेसिस जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम कार्बोकैटायन बोलते हैं. यानी माय डियर फ्रेंड्स, ये कितना बॉन्ड है, तो इसको क्या हम लिखेंगे, ट्राइवेलेंट. नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी. दैट मीन्स थ्री बॉन्ड्स आर हियर, सो ट्राइवेलेंट. ओके, सो कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा इच बॉन्ड में, कितना इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन. सो ये है सिक्स इलेक्ट्रॉन स्पेसिस, ये है सिक्स इलेक्ट्रॉन स्पेसिस. यानी लेकिन कार्बन चार बॉन्ड करना चाहते हैं, यानी कार्बन को चाहिए आठ इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस सेल में. इसलिए चाहिए आठ, लेकिन है ओनली सिक्स, इसलिए इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस. ठीक है, ओके. और क्या माय डियर फ्रेंड्स, इसको हम क्या बोलते हैं, बोलते हैं कार्बोकैटायन. ठीक है, कार्बोकैटायन. सो ट्राइवेलेंट कार्बन शुड बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, हैविंग सिक्स इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स इज कॉल्ड एज कार्बोकैटायन. सिमिलरली हम लिखेंगे कार्बोनायन, शी वही ट्राइवेलेंट होगा. लेकिन इधर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज काम के मतलब क्या है, अनायन. कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए कार्ब अनायन, कार्बनायन, कार्ब काटायन, कार्बो काटायन. इसका नेमिंग फेमिंग ये थोड़ा थोड़ा चीज़ जो है ये हम इस क्लास में नहीं ले रहे हैं. इट्स वेरी इजी किस कैसे इसका नाम दे, मिथाइल काटायन, इथाइल काटायन, और क्या क्या नेमिंग पैटर्न है इसको देख लेना थोड़ा. ट्राइवेलेंट, ठीक है, ट्राइवेलेंट है. इधर कितना इलेक्ट्रॉन्स है, दो या फिर दो सिक्स एंड टू इलेक्ट्रॉन्स मोर, सो हैविंग एट इलेक्ट्रॉन्स, हैविंग ऑक्टेट. लेकिन ये ऑक्टेट जो है दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा शेयर्ड पेयर के तरह है, बॉन्ड के तरह नहीं है, इसीलिए इधर इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस. ठीक है, और क्या है माय डियर फ्रेंड्स, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस है, क्या बोलते हैं इसको, कार्बनायन. ठीक है, ट्राइवेलेंट है, इट इलेक्ट्रॉन स्पेसिस है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस है, बोलते हैं कार्बनायन. ठीक है, ओके. अभी जो बीच में आता है, जो पॉजिटिव नहीं है कि नेगेटिव नहीं है, वो फ्री है, क्योंकि एक कार्बोकैटायन को कार्बनायन अट्रैक्ट कर सकता है, कार्बनायन को कार्बोकैटायन अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन जो फ्री है इसको ना तो कार्बोकैटायन ना ही कार्बनायन अट्रैक्ट कर सकते हैं. इसको हम लिखेंगे
वही ट्राइवैलेंट होगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन ये खुद का इस यू नो कार्बन का ही इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो खुद का इलेक्ट्रॉन किसी को दिया नहीं है, ना तो किसी का इलेक्ट्रॉन ये ले आया है। इसीलिए कार्बन के पास जो ये इलेक्ट्रॉन है इसको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं रे इसको? फ्री रेडिकल। कितना इलेक्ट्रॉन है? तीन बॉन्ड है, छः, और ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन। सो कितना इलेक्ट्रॉन होता है? सेवन इलेक्ट्रॉन स्पेसेस। ये भी वही ट्राइवैलेंट है, इसको पहले लिखना था, हम कंपैरिजन इधर कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन बीच में है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच भी नहीं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी नहीं। तो इसको लिखेंगे इलेक्ट्रॉन रिच और मे बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस यानी कभी कभी इलेक्ट्रॉन रिच के तरह, और फिर कभी कभी इलेक्ट्रॉन यू नो डेफिशिएंट के तरह बिहेव करता है। इसलिए ये बोथ है, क्योंकि इस इन दोनों के बीच में ये है, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल कार्बन आयन कार्बोकैटायन। समझ में आ गया? एनी ऑर्गेनिक स्पेसिस हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड कार्बन आटम एंड ए नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड कार्बन आयन। ठीक है, ठीक इसी तरह एनी ऑर्गेनिक स्पेसिस विच इज हैविंग ए ट्राइवैलेंट कार्बन एंड ए पॉजिटिव चार्ज ओवर द कार्बन एंड हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन अराउंड दैट पॉजिटिव कार्बन इज कॉल्ड कार्बोकैटायन। ठीक है, सो ये तीनों, और क्या हम इधर देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है ना, इसका स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगा? एक चार्ज कभी स्टेबल होता नहीं है, Na प्लस कभी यू नो आइसोलेट होके नहीं रह सकता है। Na प्लस हमेशा एक नेगेटिव चार्ज को ढूंढता है। Na प्लस कभी यू नो इंडिविजुअल आइसोलेटेड स्टेट में नहीं रह सकता। Na प्लस Cl माइनस के साथ जोड़ के या फिर Br माइनस के साथ जोड़ के एक न्यूट्रल आयोनिक कंपाउंड तैयार करना करने के लिए रेडी होके रहता है। ठीक इसीलिए इसी तरह ये जो ट्राइवैलेंट कार्बन है, जो कार्बोकैटायन जिसको हम बोलते हैं, ये कार्बोकैटायन भी पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज्ड स्पेसिस कभी स्टेबल नहीं होते। जैसे कि Na प्लस Cl माइनस को ढूंढता है इसका स्टेबिलिटी के लिए, एक कार्बोकैटायन तभी स्टेबल होता है जब इसका चार्ज कम से कम हो जाता है। यानी अगर किसी भी कॉज से, किसी भी कारण से ये जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, तभी जाके ये स्टेबल होता है। डिड यू गेट मी? सो हम बोल सकते हैं अगर कोई इधर से इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए, ये जो पॉजिटिव कार्बन को इसका चारों ओर जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड से अगर इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो डेफिनेटली इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, चार्ज कम हो जाएगा। सो जो ग्रुप कार्बन के ओर इलेक्ट्रॉन भेजेंगे, जैसे कि हम इंडक्टिव इफेक्ट से पढ़े हैं, कुछ भी ग्रुप जो खुद से दूसरों के ओर इलेक्ट्रॉन देते हैं इसको हम बोलते हैं प्लस आई ग्रुप। सो इसलिए हम लिख सकते हैं इधर, हम इधर लिख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि स्टेबलाइज्ड बाय, इसको तो हम बोलते हैं कार्बोकैटायन। क्या बोलते हैं? कार्बोकैटायन। ये बन गया हमारे लिए फ्री रेडिकल, ये बन गया हमारे लिए कार्बोनायन। ठीक है, ओके। सो इसको लिखेंगे स्टेबलाइज्ड बाय जो इलेक्ट्रॉन देगा इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा तो स्टेबल होगा। जो इलेक्ट्रॉन भेजते हैं खुद से दूसरों के, और इसको प्लस आई ग्रुप बोलते हैं, स्टेबलाइज्ड बाय प्लस आई ग्रुप्स। ठीक है, ठीक इसी तरह ये माइनस है, इस अगर कोई इलेक्ट्रॉन इसको और भी दे देगा तो इसका चार्ज बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। इसीलिए इस केस में जनरली इसका कंपैरिजन अगर इसको करें ऑलमोस्ट केस में ओपोजिट होता है, यानी इधर लेकिन या इसका चार्ज कमाने के लिए इधर से कुछ ग्रुप होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को खुद के ओर खींचेगा।
जैसे कि हम माइनस आई ग्रुप में देखे थे, अगर कोई ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन खुद के ओर खींचता है जिसको हम उसको हम बोलते हैं माइनस आई ग्रुप। यानी अगर ये सब बॉन्ड्स में माइनस आई ग्रुप रह जाएंगे, जितना ज़्यादा माइनस आई ग्रुप रहेंगे उतना इसका स्टेबिलिटी होगा, क्योंकि कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है और दैट मीन्स इसके चारों ओर डिस्पर्स हो जाएगा, बंट जाएगा। ओके, सो हम इसको बोलेंगे स्टेबिलाइज्ड बाय माइनस आई ग्रुप्स, स्टेबिलाइज्ड बाय माइनस आई ग्रुप्स, ठीक है। एंड इधर जो फ्री रेडिकल है ये भी स्टेबिलाइज्ड इसी तरह, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन जो भी है स्टेबिलाइज्ड बाय प्लस आई ग्रुप्स, ठीक है। ओके, आगे जाके अभी इसका एप्लीकेशन तो देख रहे हैं, और ये चीज आपको नोट करना है एंड इसको याद करना है, एंड जब हम एग्जाम्पल के बाद एग्जाम्पल देते रहेंगे तब ये चीज हमको काम में आएगा, ठीक है। सो इसको इरेज कर लेते हैं, एंड फिर जो हमारा आइडिया हो गया कार्बोकाटायन कार्बन आयन फ्री रेडिकल के बारे में, इन तीनों चीज़ को लेके हम एसिड स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ भी समझ सकते हैं, ठीक है। ओके, कैसे माय डियर फ्रेंड्स, CH3 सिंगल, देखिए ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि अगर मैं भी ऐसे, ये तो कार्बोकैटायन कार्बन आयन है, मैं ऐसा भी दिखा सकता हूँ कि इधर फ्लोरीन रहेगा, ठीक है, और इधर CH2 रहेगा। मैं ऐसा भी दिखा सकता हूँ माई डियर फ्रेंड, इधर ये है COOH, इसके बाद ऐसे कुछ एग्जाम्पल आएगा। देन इसको लेंगे, ये था फ्लोरीन, देन इसको लेंगे क्लोरीन, ये CH2, इधर सी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड OH, देन ये आएगा ब्रोमीन, ठीक है, ये आ जाएगा सी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड OH। ये तीनों में से एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा है, whose acidic strength is higher, ये इधर whose स्टेबिलिटी, ये केस में, ये दो केस में स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा है, और ये जो तीन एग्जाम्पल में से किसका एसिडिक स्ट्रेंथ हायर है। माई डियर फ्रेंड्स, अभी हमको देखना है कि कार्बोकाटायन इज स्टेबिलाइज्ड बाय प्लस आई ग्रुप, इधर मैं लिख देता हूँ फिर एक बार, कार्बोकाटायन आर स्टेबिलाइज्ड बाय प्लस आई ग्रुप्स, ओके, इधर कार्बन आयन्स आर स्टेबिलाइज्ड बाय माइनस आई ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन खुद के ओर खींच के माइनस चार्ज को कम कर देंगे और स्टेबिलिटी बढ़ा देंगे, इधर हम पहले देखते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज यहां हमको देखना है कि PNS रूल क्या है, PNS रूल क्या है, P फॉर पोजीशन, N फॉर नंबर ऑफ सिमिलर एटॉम्स और ग्रुप्स, नंबर ऑफ सिमिलर एटॉम्स और ग्रुप्स, फिर S फॉर स्ट्रेंथ ऑफ अटैच्ड ग्रुप और एटम्स, ठीक है। इधर एक कंपाउंड था, मैं पहले जब इधर आएंगे तो लिख लेंगे, पहले इसको हमको समझना है। P फॉर पोजीशन, किस पोजीशन में, पोजीशन मतलब अल्फा पोजीशन, बीटा पोजीशन, गामा पोजीशन, डेल पोजीशन, ऐसे, क्योंकि जो मेन सेंटर ऑफ डिस्कशन होता है, इससे जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड हुआ है इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, यानी ये भी अल्फा कार्बन, ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, इससे जो कार्बन डायरेक्टली अटैच हुआ है ये सब होते हैं अल्फा कार्बन। सो ये कार्बन के साथ ये जो एटम्स और ग्रुप्स अटैच्ड है इनका पोजीशन किधर है,
जैसे कि बोलते हैं ये जो क्लोरीन का पोजीशन क्या है, अल्फा कार्बन के साथ ज्वाइन हुए हैं। तो इसी के साथ हम बोलते हैं पोजीशन फर्स्ट आता है, पोजीशन देन आता है नंबर ऑफ एटम्स और ग्रुप्स, देन आता है स्ट्रेंथ ऑफ अटैच्ड एटम्स और ग्रुप्स। ये तीन रूल को देखना है, यानी पहले देखेंगे, पहले फर्स्ट जो डोमिनेटिंग यू नो प्रॉपर्टी है वो है पोजीशन। पहले पोजीशन देखना है किस पोजीशन पर वो ग्रुप है, ठीक है। अगर पोजीशन सेम है तो फिर हम देखेंगे वो जो अटैच्ड ग्रुप फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन इन ऐसे ग्रुप कितने हैं, 1 2 3 कितना अटैच्ड हुआ है। अगर वो भी सेम है फिर चलेंगे स्ट्रेंथ ऑफ अटैच्ड ग्रुप और एटम्स, स्ट्रेंथ ऑफ अटैच्ड ग्रुप और एटम्स, यानी कि जो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन में से किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन को खींचने का या फिर देने का, ये सब चीज़ को हम कंपेयर करते हैं, पहले पोजीशन देन नंबर देन स्ट्रेंथ, हैंस कॉल्ड PNS रूल। इसको अभी अप्लाई करेंगे इधर, माय डियर फ्रेंड अभी हम देखते हैं कि इधर इसको छोड़ दीजिए, इधर कोई ग्रुप अटैच्ड नहीं है, हम बोल सकते हैं ये भी दो कार्बन, हम हर एक कार्बोकैटायन में दो कार्बन ही है। ये तीनों को पहले कंपेयर करते हैं कि इधर भी अल्फा पोजीशन में है, इधर भी अल्फा पोजीशन में, इधर भी अल्फा पोजीशन में है, ठीक है। तो जो पोजीशन सेम हो गया इन तीनों में, ठीक है, तो पोजीशन काम नहीं करेगा। अगर ऐसा हम ले सकते थे, हमारे लिए ये भी एग्जाम्पल हो सकता था, यानी मैं ऐसा भी एग्जाम्पल ले सकता था जैसे कि माय डियर फ्रेंड्स अगर मैं लिखूं फ्लोरीन इधर है, इधर CH2, फिर इधर एक क्लोरीन है, ठीक है, इधर क्लोरीन नहीं लगाएंगे, इस ये बनेगा से यानी CH2, ये बन जाएगा CH2-, ठीक है। और एक ग्रुप में हम देखेंगे ये बनता है CH3, ये बनता है CH3, ये बन गया कितना कार्बन है इधर, 3 CH3 CH2 CH3 CH2, ठीक है। ये जो CH है इधर एक क्या लग जा रहा है, क्लोरीन लग जाएगा, इधर हो जाएगा क्या रे CH2-, इधर भी वही 3 कार्बन है जैसे कि इधर से। मैं बोलना चाहता हूँ एक एग्जाम्पल को लेके कैसे पोजीशन काम करता है, इधर जो अटैच्ड ग्रुप है वो किस कार्बन के पास है, क्योंकि ये सोर्स कार्बन के कार्बन है, सोर्स कार्बन को जो कार्बन ज्वाइन है इसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, एंड ये जो कार्बन सोर्स कार्बन है ये होता है अल्फा, ये होता है बीटा। सो बीटा पोजीशन में एक फ्लोरीन है, अल्फा पोजीशन में एक क्लोरीन है। हाँ, हमको पता है फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है क्लोरीन से, यानी फ्लोरीन हमको बढ़िया इलेक्ट्रॉन खींच के दे सकता है, लेकिन ये अटैच्ड है बीटा पोजीशन में, दूर में, इसका डिस्टेंस ये सोर्स कार्बन से ज़्यादा है, सो पोजीशन इज फार्दर फ्रॉम द सोर्स नेगेटिव कार्बन, इसलिए ये ज़्यादा खींच के इसको स्टेबिलिटी नहीं दे सकता जितना कि ये क्लोरीन दे सकता है। तो पहले डिस्टेंस देखना है, पहले पोजीशन देखना है किस पोजीशन में अल्फा बीटा गामा पोजीशन में है, जितना क्लोज होगा इतना ज़्यादा इफेक्ट होगा, यानी इधर ये इलेक्ट्रॉन खींच के ये कार्बानायन को स्टेबिलिटी दे सकता है, क्योंकि जब ये क्लोरीन खुद के और इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये कार्बन भी जो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये भी इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, यानी इसके ऊपर कार्बन का ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो कंसेंट्रेटेड होके नहीं रहेगा तो स्टेबिलिटी आ जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स सो इट्स वेरी क्लियर। सो पहले किसको देखना है, पोजीशन, किस पोजीशन में वो अटैच्ड होके रहा है। आर यू गेटिंग मी ना? सो नाउ अगर पोजीशन से, इधर तो पोजीशन डिफरेंट था इसलिए पोजीशन से हमको आंसर मिल गया, तो यानी किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा इससे। तो इस केस में और नंबर स्ट्रेंथ को देखना नहीं है, अगर पोजीशन सेम है तो फिर किधर जाएंगे, नंबर के ओर जाएंगे। इसका मतलब अभी पोजीशन के बाद इधर आएंगे, पोजीशन ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, पोजीशन सेम है, लेकिन अगर पोजीशन सेम हो गया तो क्या देखेंगे, नंबर, इधर कितना क्लोरीन है, 1, इधर कितना क्लोरीन है, 2, इधर कितना क्लोरीन है इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, 3,
लेकिन 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 हमको पता है ये सारे क्लोरीन आटम जो है माइनस आई ग्रुप है, हमको पता है कार्बो कैटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय प्लस आई ग्रुप्स, लेकिन ये जो क्लोरीन क्या करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव आटम, मतलब ये इलेक्ट्रॉन खुद के और खींचते हैं, दूसरों को नहीं देते हैं, प्लस आई ग्रुप जो है वो दूसरों को इलेक्ट्रॉन देते हैं। अगर ये कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन आता नहीं है तो ये स्टेबल नहीं हो पाएगा, ये इलेक्ट्रॉन से अगर और भी इलेक्ट्रॉन खींचा जाए तो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज इधर हो गया हो जाएगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगा, इसीलिए हम इसे इसी तरह से हम क्या करेंगे देखने लगेंगे। इधर तीन है पोजीशन के बाद हम नंबर देख रहे हैं, इधर तीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, तीन माइनस आई ग्रुप है, जितना ज़्यादा माइनस आई ग्रुप होगा उतना कम स्टेबिलिटी होगा कार्बोकैटायन का। सो कम से सबसे कम स्टेबिलिटी किसका है, सबसे कम स्टेबिलिटी इसका है, क्योंकि इधर तीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, तीन माइनस आई ग्रुप है, डिस्टेबिलाइज कर देंगे, हम लिखे थे कार्बोकैटायन स्टेबिलाइज बाय प्लस आई ग्रुप, ठीक है। इधर दो है ये थोड़ा इतना भी डिस्टेबिलाइज नहीं होगा, सो इसका यू नो स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा है। सिमिलरली इधर एक है ये कम डिस्टेबिलाइज करेगा, इसका स्टेबिलिटी इससे थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इधर एक CH3 अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बाय नेचर, मिथाइल इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन दे के इसका स्टेबिलिटी सबसे बड़ा कर रहा है, लेकिन इसीलिए ही इसका स्ट्रेंथ ऐसा, इसका ऑर्डर ऐसा रहेगा, ठीक है। ये था हमारे लिए, इसका मतलब अभी क्या करेंगे, ये प्लस के जगह अगर हमारा एग्जांपल क्या था माय डियर फ्रेंड, ये तो हमारा रूल्स है, अभी मैं लिख रहा हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, अभी बन जाएगा CL सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, फिर आएगा CL सिंगल बॉन्ड CL सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, फिर फाइनली आएगा एक जो कार्बन है, तीन क्लोरीन इधर लगेंगे, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ये बन जाता है CH2 माइनस। जैसे कि हम लिखे थे इधर कार्बोकैटायन आर स्टेबिलाइज्ड बाय प्लस आई ग्रुप, कार्बन आयन यानी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये जो कार्बन आयन आर स्टेबिलाइज्ड बाय माइनस आई ग्रुप, ये सब माइनस आई ग्रुप है ना, ये जो भी था नंबर के बाद पोजीशन देख रहे थे इधर भी सॉरी पोजीशन के बाद नंबर देख रहे थे इधर भी पोजीशन सेम हो गया, अगर पोजीशन सेम हो गया तो हम चलेंगे नेक्स्ट कंपैरिजन को, वो है नंबर, नंबर को देखेंगे, इधर भी तीन है, दो है, एक है, फिर ये इलेक्ट डोनेटिंग है, इसको छोड़ दीजिए, ये तीनों में किधर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और ज़्यादा माइनस आई ग्रुप है, क्योंकि कार्बन आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय कार्बानायन इज स्टेबिलाइज्ड बाय माइनस आई ग्रुप्स और एटम्स, माइनस आई ग्रुप्स और एटम्स माय डियर फ्रेंड्स। इधर तीन ग्रुप है ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ज़्यादा माइनस आई ग्रुप है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच के इसका इलेक्ट्रॉन को कम कर देगा, इसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ये दो है नंबर में दो है तो इसका स्टेबिलिटी थोड़ा इससे कम होगा, इसका स्टेबिलिटी इससे यू नो सबसे ज्यादा इसका स्टेबिलिटी है, फिर इसका स्टेबिलिटी इससे कम, इसका स्टेबिलिटी इससे कम, क्योंकि इधर एक क्लोरीन है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच के इसका नेगेटिव चार्ज को कम नहीं कर पाता है, कर पाता है, जितना ज्यादा माइनस आई ग्रुप होगा उतना इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। लेकिन इधर सबसे कम स्टेबिलिटी इसीलिए है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है मिथाइल अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बाय नेचर, अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बाय नेचर, हाइपर कंजुगेशन में इसको देखेंगे, फिलहाल अभी याद रखेंगे डोनेटिंग बाय नेचर। कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, हाइड्रोजन का कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसको देख के भी हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन कार्बन की ओर इलेक्ट्रॉन फेंकता है, ठीक है। सो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन दे के इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ा देता है, इसका स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, अभी कार्बोकैटायन एंड कार्बानायन के स्टेबिलिटी हम देख लिए, ठीक उसी तरह जैसे कि हम लिख रहे हैं फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी
प्लस आई ग्रुप रहने से इसका स्टेबिलिटी बढ़ता है। ये जैसे हम कंपेयर कर लिए कार्बन आयन एंड कार्बोकैटायन का फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी, जितना ज़्यादा प्लस आई ग्रुप रहेगा उतना ज़्यादा उसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा, ठीक ऐसे करके हम कंपेयर कर सकते हैं। अभी चलेंगे माई डियर फ्रेंड्स एसिडिटी एंड बेसिसिटी के, और कुछ डाउट रहेगा तो ग्रुप्स में आप पूछ सकते हैं। ओके माई डियर फ्रेंड्स, अभी चलेंगे थर्ड एसिडिक स्ट्रेंथ, पूरा कंपेयर करेंगे और देख लेंगे। मैं अभी क्या करूंगा, पहले लेता हूं CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, फिर एक लेता हूं इधर HCl ले लूंगा, इधर H है, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, फिर यह है एक नंबर का कंपाउंड, दो नंबर का कंपाउंड, तीन कंपाउंड, तीन नंबर का कंपाउंड है सी इधर दो क्लोरीन लगा लूंगा और एक हाइड्रोजन सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच। ये जो एक दो और तीन नंबर का कंपाउंड में किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसको एसिड हम बोलते हैं, जो एच प्लस देता है, और H प्लस देने के बाद जो आनायन मिलेगा, अगर वो आनायन स्टेबल है, इसका मतलब वो H प्लस इजीली छोड़ देगा। इसका मतलब क्या है, हम लिखेंगे तो समझ पाएंगे। ये दो कंपाउंड को तो हम लेंगे, लेकिन मैं पहले वाला कंपाउंड को दिखा रहा हूँ कि क्या होता है। अगर ये H प्लस होके रिलीज होना चाहता है तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आना चाहिए। सो ये देगा हमको CH3 सिंगल बॉन्ड COO माइनस, और क्या मिलेगा हमको H प्लस। ये H प्लस दिया इसलिए इसको हम बोलते हैं एसिड, ठीक है, ओके। इसका स्टेबिलिटी के बारे में क्या बोलेंगे, अगर ये माइनस चार्ज कम से कम हो जाएगा तो इसका स्टेबिलिटी होगा। जैसे कि हम बोल रहे हैं कार्बन आयन में, कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है अगर वो कम हो जाएगा तो डेफिनेटली इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो कार्बन आयन हो फिर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, हमेशा माइनस आई ग्रुप के लिए, माइनस आई ग्रुप के लिए स्टेबल होते हैं। तो ऐसे जो कार्बोक्सिलेट आयन बन रहा है, ये कार्बोक्सिलेट आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय माइनस आई ग्रुप, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो CH3 है, इधर ये CH3 एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप है। ये जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन देगा, ये ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन और भी बढ़ जाएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ क्या, ऑक्सीजन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज कम हो जाता तो स्टेबल हो जाता, लेकिन इधर ये इलेक्ट्रॉन और भी डोनेट करके ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ा देता है, स्टेबिलिटी कम हो जाता है। तो इसलिए अगर ये स्टेबल कम है तो इसको लगेगा कि अगर H मुझसे जा रहा है तो इसका स्टेबिलिटी कम हो जा रहा है तो ना बाबा ना, मुझे H प्लस देना नहीं है। अगर दे भी दूं इतने भी राजी नहीं होऊंगा, क्योंकि अगर H प्लस मैं रिलीज करता हूं तो मैं अनस्टेबल हो जा रहा हूं। ये जितना स्टेबल होगा ये सोचेगा कि ठीक है, H प्लस जाने के बाद भी जो रहता है वो स्टेबल हो जाता है, चलो ये आप H प्लस अगर जाना चाहते तो जाओ, ठीक है ना। ये है इसका प्रिंसिपल। सो माई डियर फ्रेंड्स, अभी क्या करेंगे, और एक बस एग्जांपल ले लेते हैं। C इधर है Cl, इधर है H, इधर है H, ठीक है, इधर अभी C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H। देखो इधर एक अल्फा पोजीशन में क्लोरीन एक आटम है, तो ये जब इलेक्ट्रॉन खुद के ओर खींचेगा तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगा, ये इधर खींचेगा इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगा, ये इधर से खींचेगा। तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर ये भी रिलीज करता है, ये भी इसके ऊपर क्या है रे क्लोरीन, इधर क्या है रे एच,
इधर C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड O माइनस है, और क्या देगा? H प्लस। ये क्यों ये H को इजीली रिलीज कर सकता है? क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन खींचने लगा है, ये जो खींचे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन यू नो कम होने लगता है इस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है, इसलिए ये भी इलेक्ट्रॉन इधर से जोर से खींचेगा। जितना ज़्यादा ये ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा ऑक्सीजन के ओर खींचे जाएंगे, ऑक्सीजन उतना रेडिली सॉरी हाइड्रोजन उतना रेडिली खुद का इलेक्ट्रॉन छोड़ के भाग जाएगा एच प्लस होके। ऐसे भी समझ सकते हैं, या फिर इसका स्टेबिलिटी लेके भी आप समझ सकते हैं। कैसे? क्योंकि इधर एक माइनस आई ग्रुप लगा है, हम लिखे थे कि कार्बन आयन इज स्टेबिलाइज्ड बाय माइनस आई ग्रुप। ये एक माइनस आई ग्रुप है, अल्फा पोजीशन में माइनस आई ग्रुप है, ये क्या करेगा? ये जो कार्बोक्सिलेट आयन को स्टेबिलाइज करेगा, इधर लिखा हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, कार्बोक्सिलेट आयन इज स्टेबिलाइज्ड बाय माइनस आई ग्रुप। सो इसलिए ये माइनस आई ग्रुप है, इसको स्टेबल कर देगा। इसका मतलब इसको पता है हाइड्रोजन के एच प्लस हो के जाने के बाद भी जो कार्बोक्सिलेट आयन बच जाएगा वो माइनस आई ग्रुप के लिए स्टेबल भी हो जाएगा। ठीक है, सो इसी तरह हम कभी कभी ढेर सारे ऐसे करके कॉम्बिनेशंस आएंगे जिसमें हमको देखना है कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड ज़्यादा इजीली या रेडिली एच प्लस दे सकता है। इसको हम ये सिमिलरली जो हम डिस्कशन कर रहे थे, ऐसे बहुत सारे पोजीशन में, बहुत सारे नंबर में, बहुत सारे स्ट्रेंथ में, कभी क्लोरीन होगा, कभी ब्रोमीन होगा, कभी आयोडीन होगा। हमको पता है स्ट्रेंथ कैसे चेंज होने से माइनस आई चेंज होता है, हम डिस्कशन किए थे माइनस आई ग्रुप जब डिस्कशन किए थे। ठीक है, सो इसी तरह माय डियर फ्रेंड्स अभी क्या करेंगे, अभी ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ हमें अच्छे तरह से पता, अच्छे तरह से समझ में आ गया। अभी बाकी चलेंगे हम बेसिक स्ट्रेंथ, अगर हम लिखेंगे अमोनिया, लेइस बेस किसको हम बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स? ठीक है, माय डियर फ्रेंड, बेस वो होता है, लेइस बेस वो होता है जो खुद का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरों को जितना ज्यादा दे सकता है वो उतना ज्यादा बेसिक होता है। नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, एक लोन पेयर है, इसको वो दूसरों को दे सकता है, जितना इजीली दूसरों को दे देगा उतना ज्यादा बेसिक होगा। लेस बेस का मतलब ये है, बेसेस आर दोज हु कैन डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन पेयर्स। सिमिलरली हम क्या करेंगे, अभी तीन हाइड्रोजन के जगह एक हाइड्रोजन में हम एक अल्काइल ग्रुप लगाएंगे और दो हाइड्रोजन इधर लगाएंगे, लोन पेयर इधर रहेगा। नाइट्रोजन के पास इधर दो अल्काइल ग्रुप रहेगा एंड इधर रहेगा एक हाइड्रोजन। सो इन तीनों में से हमको कंपेयर करना है किसी का एसिडिक स्ट्रेंथ सॉरी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। हम अभी मैं बोल रहा था कि ये जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, ये तीनों कंपाउंड में से जो खुद का लोन पेयर जितना ज़्यादा दूसरों को दे सकता है उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा। हमको पता है अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बाय नेचर। इधर कितना अल्काइल ग्रुप है, दो, इधर कितना अल्काइल ग्रुप है, एक, इधर कितना अल्काइल ग्रुप है, नहीं है, यानी इधर दो अल्काइल ग्रुप खुद से इलेक्ट्रॉन दे के, क्योंकि अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बाय नेचर, ये इलेक्ट्रॉन भेज के ये नाइट्रोजन के ऊपर जो भी तो लोन पेयर था वो तो है, फिर भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहा है अल्काइल के द्वारा। जितना ज़्यादा अल्काइल ग्रुप इधर रहेगा उतना इसका इलेक्ट्रॉन डोनेट यू नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दूसरों को दे सकता है ज़्यादा, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। इधर एक अल्काइल ग्रुप है, इस थोड़ा कम, इधर कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ इस अमोनिया के पास है। इसी तरह माय डियर फ्रेंड्स हम कवर कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, टाइम और टेक्निकल डिफेक्ट से हम ये क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसको हम जो भी बाकी रहेगा इसको आपको असाइनमेंट के तरह समझा देंगे, एंड जो आपका डाउट रहेगा आप ग्रुप में हमको पूछ सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी, बाय बाय।